ये नवंबर महीने 11 तारीख नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट में हिमायतनगर का कुलदीप वाइन्स का मालिक मनमीत सिंह बग्गा ये कंप्लेंट करे है। वो पिछले रात में कोई उनका वाइन शॉप का पिछले से दीवार तोड़ के और कैश जो चेस्ट रहते हैं लाख से 18 लाख रुपया चोरी करके लेके गया, उसको कंप्लेंट करें। वो सिलसिले में हमारा नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन का DI रवि कुमार सर और उनका टीम SI नारायण DSI नारायण तुरंत मौका में पहुंच के एक क्लोज टीम भी बुला के वहाँ क्या क्या सबूता जो चोरी करने वाला छोड़ के गए सो वो भी तलाश करके थोड़ा क्लोज भी निकाले और वहाँ आसपास में इंक्वायर करने से थोड़े दिन पहले वहाँ नेपाली वॉचमैन थे, थोड़े दिन करके उन्होंने भी नौकरी छोड़ के गए बोल के भी इंफॉर्मेशन मिला और वो वाइन शॉप से जो निकाले सो कैश चेस्ट उनको जो अकाउंट वॉचमैन का जो अकोमोडेशन दिया है वो सलार में वो कमरे में ले जाके उसको तोड़े और अंदर का थोड़ा कैमरा देखने से भी कोई आज लोगों चार आदमी अंदर घुसे जैसा दिखा अगर लाइट कम रहने से सही नहीं मिला। अगर अपना इंफॉर्मेशन से उन लोगों का होलियाँ देख के और वॉचमैन लापता होने से उनका खुफी निकाल के उन लोगों को आइडेंटिफाई करे वो पूरा नेपाल का है बोल के मालूम पड़ा। अपने पिछले जो केसेस हुआ उसमें तजुर्बा से ये नेपाल वाला चोरी करने के बाद जितना जल्दी उतना भाग जाता बोल के अपने जो इन्फॉर्मेशन था इस वजह से हमारा इन्फॉर्मेशन से थोड़े लोगों का इन्फॉर्मेशन से फॉरेन हमारा DCP मैडम सुमति मैडम सीनियर से बात करके महाराष्ट्र भी इन्वेस्टिगेशन जाने के लिए इजाज़त मांगी। वो इजाज़त लेके फॉरेन एक गाड़ी में पुणे तक रात में पहुंच के उसमें वहाँ भी थोड़ा इंक्वायरी करने से वहाँ से भी निकल गया बोल के मालूम पड़ा। फिर हैदराबाद आके कल इन्फॉर्मेशन से मनीराम बोल के ये वॉचमैन का बेटा ये इंग्लैंड के आसपास में है बोले तो उनको गिरफ्तार में लिए और उनका बयान लिखने के बाद उनसे थोड़ा कैश भी रिकवर हुआ और उनका बयान से वो वॉचमैन का जो कमरा है दूसरे यहाँ से खाली करके दूसरी जगह जो सुल्तान बाजारी एरिया में एक कमरे लिए थे वहाँ चेक करने से थोड़े और 3 लोगों मिला और ये युवरास्पेक्ट में भी 2 आदमी पूरा 5 जने को हिरासत में लेके ये केस में जो 18 लाखों में 7,96,000 कैश बरामद करे उसमें शामिल है सो और 2 जने भागा हुआ है उन लोगों भी पकड़ के बाकी का जो कैश लेके गया वो भी बरामद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये केस सॉल्व करने में हमारा DI रवि कुमार और उनका टीम नारायण और इसमें नारायणगुड़ा एबिट्स DI गोपी और बेगम बाजार इंस्पेक्टर मधुमोहन लोग भी बहुत
काम करे टीम्स, स्पेशल टीम्स बनाने के बाद वो है, और नारायणगढ़ इंस्पेक्टर साहब रमेश कुमार साहब अच्छा कोऑर्डिनेट करे, हमारा मैडम भी बहुत लोगों से अच्छा गाइडेंस दे, और जो परमिशंस भी जल्दी तुरंत दिलाने से एक केस जल्दी सॉल्व हुआ, अभी बाकी लोगों में भी तुरंत पकड़ेंगे बोल के हमारे तो भरोसा है। टोटल कितना कैश था सर? 18 लाख ये लोग के ऊपर पहले कुछ केसेस है अभी तक तो नहीं है, अभी इंक्वायरी करते हैं अभी। ये उसमें थोड़ा लोगों भी एक आदमी मुंबई का बोल के मालूम मुंबई का है, वो भी मुंबई से आया है, और एक आदमी थोड़े दिन शिमला में रुका बोल के भी माल इंफॉर्मेशन है, और उधर भी दूसरे स्टेटों में कुछ केस है अभी, वो भी मालूम कर गया।